हेलो फ्रेंड्स, ये मिनी रोटरी मशीन। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन जो है पूरा आप लोगों को दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके। ये मैं बहुत पुराना हो गया, मैं इसका भूल गया था आप लोगों को दिखाने का, तो चलिए आज एक बार दिखा देता हूँ। ये मिनी रोटरी मशीन है, इसका लिंक अमेज़ॉन लिंक मैं दे देता हूँ। इसका मशीन का जो क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, दो तीन पैकेट यहाँ पे टूल्स का डिस्क है, ये बॉक्स में भी है। तो चलिए एक एक करके मैं दिखाता हूँ। और ये है मेन मशीन, ठीक है ना। बहुत ही हैंडी, बहुत ही छोटा यूजफुल है। मैं एक वुड कार्विंग का काम किया था, वहाँ पे आप लोगों को दिखाया था। इसमें देखिए ये स्विच है मेन, और ये स्पीड कंट्रोलर है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे ऐसे प्लग ऑन करके आप इजीली यूज कर सकते हो। ये देखिए ऑन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये कम करके ज़्यादा करके भी आप कम का हिसाब से भी, स्पीड कंट्रोलर है यहाँ पे। बहुत ही हैंडी मशीन, मैं वुड कार्विंग के लिए ये खरीदा था। तो चलिए यहाँ पे टूल्स को यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए बहुत सारा बीड्स है। ये एक्चुअली मैंने फाइबर कास्टिंग का कुछ काम है, जहाँ पे डिटेलिंग गड़बड़ हो गया कुछ, तो फिनिशिंग के लिए कुछ ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ये अलग अलग बीड्स है, ये खोलने का भी यहाँ पे देखिए ये लॉक है, और ऐसे इसको घुमाइए तो अंदर करके तो ये इसमें टाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे यूज कीजिए, मतलब बहुत ही अच्छा है। इसमें भी देखिए बहुत सारा बीट्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ मेटल का काम के लिए, जैसे ये सब ब्रास, मतलब जो घिसाई होता है, पॉलिश होता है ना, इस टाइप का ग्राइंडिंग बीट्स है छोटा छोटा। लेकिन ये बीट्स मैंने यूज़ करके देखा, ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब एक छोटा मोटा काम में वो ख़त्म हो जाता है, मतलब एक दो बार घिसाई कीजिए तो ये एक एक बीट्स गया ख़त्म। तो ये अलग से आपको ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पे भी बहुत सारा टूल्स, स्टोन के लिए है ना, ग्लास के लिए, सब अलग अलग काम के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए ये बॉक्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा। मैं यूज़ करके देखा, ऐसे तो बुरा नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये जो बीट्स दिया ना, ये ऐसा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये और एक मुख के लिए, ये फ्रंट के लिए दिया एक्स्ट्रा, मतलब आपको ये टूल्स जो बीट जो है ना, ये आपको अलग से खरीदने से अच्छा है। यहाँ पे भी कुछ काटिंग डिस्क, छोटा छोटा डिस्क है, ये भी काट के देखा, ऐसा ठीक है, लेकिन जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। ये सब क्वालिटी मेरे को ठीक नहीं लगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारा बीट्स हैं जो फाइबर कास्टिंग का। तो चलिए ये जो लेंथ आप लोग देख रहे हैं, ये भी डिटेल काम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे लगाने का जो सिस्टम है मैं दिखा देता हूँ।
पहले ये बड़ा वाला नॉब यहाँ पे खोलना है और ये अंदर का जो पाइप है स्क्वायर टाइप का, इसको लगाना है यहाँ पे ऐसे जैसे ड्रिल बिट लगाते हैं ऐसे। और टाइट होने का बाद ये ऊपर से इसको पैच यहाँ पे लगाना है। तो ये जो एक्सटेंशन कॉर्ड हो गया आपका, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब और भी हैंडी करना है, और भी डिटेल काम करना है तो ये जो कॉर्ड है इसको जितना आप सीधा रखें उतना अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम बाद मैंने देखा गर्म हो जाता है। ठीक है ना, इसका भी खोलने का ये देखिए छोटा सा छेद है यहाँ पे, खोलने का भी ऑप्शन है। तो इसका पूरा का पूरा मशीन का प्राइस डिटेल ये अमेज़ॉन से है, आप इसका मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। मशीन बहुत ही अच्छा है मेरे को काम के लिए, मैं काम कर रहा हूं, मतलब मेरा लगभग 1.5 साल हो गया तो मैं यूज़ करता हूं, बहुत ही अच्छा है। ऐसा करके टाइट करके यहां पे भी काम कर सकते हैं। ये जो एक्सटेंशन कॉर्ड है इसको आप ड्रिल मशीन में भी लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस टाइप का मशीन का बहुत काम होता है, बहुत अच्छा यूजफुल है ये मशीन, बहुत ही डिटेल काम के लिए आप लोग खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को देखिए, क्लिक कीजिए और परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मशीन है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मेरा आर्टिक चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और साइड में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए और ऑल वीडियोस आप एंजॉय कीजिए मेरा चैनल पर। थैंक यू।